दोस्त आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। आज हम बताएंगे आप लोग का जो आईडी एरियर है जो करीब करीब एक साल से ज़्यादा हो गया है, या यूँ कहा जाए कि पेंडिंग जो है बहुत दिनों से हो रहा है, आखिर क्यों नहीं आप लोग का ये पेमेंट हो रहा है, आज हम उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों BSNL EU ने पुनः एक लेटर लिखा है, 12/4/2022 को ये लेटर लिखा है श्री PK पुरवाड़ को। नॉन इम्प्लीमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ऑन इशू पेमेंट ऑफ IDA इंक्रीज टू द नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ BSNL कोर्ट पेंडिंग अगेंस्ट द CMD BSNL। तो दोस्तों अभी तक उसको क्यों नहीं लागू किया गया है, जो कि एक कोर्ट का ऑर्डर था, केरला हाईकोर्ट का ये ऑर्डर था कि BSNL के जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उन लोगों के लिए IDA पेमेंट देना पड़ेगा और उन लोगों के लिए यह फ्रीज नहीं होगा। ये लेटर निकले हुए करीब एक साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक CMD BSNL इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, साथ ही साथ अभी सोए हुए हैं। और उसी को जगाने के लिए फिर से एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर में बहुत सारी बातों को कहा गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने कहा है कि केरला हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2021 को ये CMD BSNL को एक ऑर्डर दिया था कि आप जो है जल्द से जल्द IDA BSNL नॉन एग्जीक्यूटिव का जो इम्प्लाई है उसका IDA जल्द से जल्द रिलीज कीजिए, लेकिन उन लोगों का रिलीज अभी तक नहीं आया है। जबकि DPE जो है 2 अगस्त 2021 को अनाउंस कर दिया था IDA जो है PSU का इंक्रीज, आप देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप से इंक्रीजिंग का एक ऑर्डर भी दे दिया था। पहले ये लोग बोल रहे थे कि DPE जब तक इशू ऑर्डर इशू नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं दे सकते हैं, या कुछ बहाना बना रहे थे, लेकिन DPE भी जो है 2 अगस्त 2021 को ही रिलीज ऑर्डर कर दिया था कि कितना परसेंट किसको कितना भरना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से फिर भी मैनेजमेंट जो है BSNL नॉन एग्जीक्यूटिव को IDA देने के IDA एरियर जो है वह देने के लिए तैयार नहीं है। इस हाउएवर अनफॉर्चुनेटली CMD BSNL हैज रिफ्यूज द मेक पेमेंट ऑफ IDA एरियर। BSNL CMD जो है लगातार रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और जबकि यह सरासर केरला हाईकोर्ट का जो ऑर्डर दिया था उसका पूरा का पूरा विरोध किया जा रहा है। इसलिए अदि 2 सप्ताह के अंदर, जी हाँ दोस्तों अदि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है, अदि 2 सप्ताह के अंदर आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर से हैंस इन्फॉर्म BSNL विल फाइल ए कोर्ट पिटीशन अगेंस्ट CMD BSNL If IDA arrear is not paid to non-executive of BSNL within 2 weeks, यदि 2 सप्ताह के अंदर BSNL non-executive का IDA arrear payment नहीं हुआ तो फिर से BSNL employees union यानी BSNL जो है BSNL non-executive का जो union है वह फिर से कोर्ट में जाने की तैयारी करेगा। तो इसीलिए CMD BSNL साहब से आग्रह करते हैं, सर इस तरह से इन लोगों को क्यों सता रहे हैं, एक तो 3rd PRC इन लोगों को नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप IDA एरियर भी नहीं दे रहे हैं जो कि कोर्ट का ऑर्डर है, कुछ तो कुछ लिहाज कीजिए और इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।